विल को हिंदी भाषा में वसीयत कहते हैं। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा उसके मर जाने के बाद प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार तय करता है। विल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम विल की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है यह सीखेंगे। पहले पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे, दिस इज द लास्ट विल ऑफ माइन। अगर आपने पहले कोई विल कर रखी है तब यह लाइन लिखेंगे, अगर आपने पहले कोई विल नहीं कर रखी है तो यह लाइन नहीं लिखेंगे। दिस इज द लास्ट विल ऑफ माइन ए बी एटसेट्रा। ए हिंदू मेड दिस दी, जो भी डेट है वो लिखेंगे, डे ऑफ ईयर लिखेंगे वोलेंटरली एंड वाइल इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड। दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, वेयर एज आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड एंड हैव बीन कीपिंग इनडिफरेंट हेल्थ फॉर ए पास्ट फ्यू मंथ्स। फिर उसके बाद लिखेंगे, एंड वेयर एज आई एम पोजेस्ड ऑफ कंसिडरेबल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज मोर पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्ड इन दी शेड्यूल अनेक्स्ट हेयर टू विच आर माई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज एंड विच वर एक्वायर्ड विदाउट एनी डेट्रीमेंट टू दी अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और टू दी फैमिली फंड्स एंड आई हैव दी एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ डिस्पोजल ओवर दी सेम। इस पैराग्राफ में आप यह लिखेंगे कि आपके पास जो भी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप शेड्यूल के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, और यह भी लिखेंगे कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की एब्सोल्यूट पावर है। इसके बाद जो पैराग्राफ है उसमें यह लिखेंगे, एंड वेयर एज आई एम एंशियस टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दी एंजॉयमेंट ऑफ माई प्रॉपर्टीज आफ्टर माई लाइफ टाइम सो दैट अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कंसीक्वेंटल वेस्टफुल लिटिगेशन बिटवीन दी मेंबर्स ऑफ माई फैमिली मे बी अवॉइडेड। देयरफॉर आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस लास्ट विल एंड
टेस्टामेंट ऑफ माई ओन फ्री विल वॉलेंटरली विदाउट एनी कंपल्शन और प्रेशर ऑफ एनी पर्सन एंड विद ए साउंड डिस्पोजिंग माइंड एंड डिक्लेयर एज फॉलोज। अब आप पहली लाइन में यह लिखेंगे कि आई हेयर बाय रिवोक ऑल फॉर्मर विल्स एंड कोडिसिल्स मेड बाय मी एट एनी टाइम हेयर टू बिफोर। सबसे पहले पैराग्राफ में हमने यह लिखा था, दिस इज द लास्ट विल ऑफ माइन। अब इस पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे कि मैंने पहले से जितनी भी विल की हुई हैं, कोडिसिल्स की हुई हैं, मैं उन सबको रिवोक करता हूं। सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे, आई हैव माई वाइफ, जो भी वाइफ का नाम है वह लिखेंगे, टू डॉटर्स EF एंड GH एंड टू सन्स, वो विल बी एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू माई प्रॉपर्टीज अंडर लॉ इन दी नॉर्मल कोर्स, बट माई डॉटर्स आर ऑल मैरिड एंड दे आर लिविंग सेपरेटली विद देयर हस्बैंड्स, दे हैव बीन प्रॉपरली एंड वेल प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग देयर मैरिज, दे आर देयरफॉर नॉट गिवन एनी शेयर इन माई प्रॉपर्टीज अंडर दिस विल। देखिए, जो विल है, आप विल के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मुझे मिलनी चाहिए। विल एक डिजायर है व्यक्ति की कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए। तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, आई बिक्विथ दी प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर, जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल है वो लिखेंगे, बियरिंग नंबर डिस्क्राइब्ड एज आइटम नंबर, जो भी आइटम नंबर है शेड्यूल के अंदर दिया गया है, इन दी शेड्यूल हेयर टू टू माई फर्स्ट सन KL एब्सोल्यूटली टू बी हेल्ड एंड इंजॉयड बाई हिम विद फुल एंड एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ एलिनेशन। आप इस पैराग्राफ में प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आप किसको दे रहे हैं, प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर टू माई फर्स्ट सन KL एब्सोल्यूटली टू बी हेल्ड एंड इंजॉयड बाई हिम विद फुल एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ एलिनेशन। फोर्थ
फोर्थ पैराग्राफ में लिखेंगे, आई बिक्विथ द प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर एज आइटम नंबर, जो भी आइटम शेड्यूल के अंदर दी गई है, इन शेड्यूल हेयर अंडर टू माई सेकेंड सन एम एन एब्सोल्यूटली टू बी हेल्ड एंड इंजॉयड बाय हिम विद फुल एंड एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ डिस्पोजल। फिफ्थ पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे, आई बिक्विथ टू माई वाइफ सी डी दी प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर एंड डिस्क्राइब्ड एज आइटम नंबर, जो भी शेड्यूल के अंदर आइटम नंबर है प्रॉपर्टी का वो भी लिखेंगे, इन द शेड्यूल हियर टू एब्सोल्यूटली टू बी हेल्ड एंड enjoyed by her with full and absolute power of alienation। Sixth paragraph में हम कोई भी दूसरा asset है उसके बारे में लिखेंगे, any assets movable or immovable which might be omitted from being mentioned in this will or which may hereafter be acquired by me shall be taken by my wife and the two sons aforesaid in equal shares absolutely। देखिए, अब जो सिक्स पैराग्राफ में हमने यह लिखा है, एनी एसेट्स मूवेबल और इमूवेबल विच माइट बी ओमिटेड फ्रॉम बीइंग मेंशन इन दिस विल और विच मे हेयर आफ्टर बी एक्वायर्ड बाय मी, कोई भी एसेट मूवेबल या इमूवेबल आप इस विल में मेंशन करना मतलब आपसे रह गया है, वो जो एसेट्स हैं या कोई मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट एक्वायर होता है बाद में मुझे, शैल बी टेकन बाय माई वाइफ, वो मेरी वाइफ के द्वारा लिया जाएगा, और टू सन्स इक्वल शेयर्स में, मेरी वाइफ और मेरे दोनों बेटों में इक्वल शेयर्स में बांट दिया जाएगा। दो, आई हैव बिक्विथेड नो शेयर इन माई प्रॉपर्टीज टू माई डॉटर्स एफोरसेड एज ए टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर देम आई हेयर बाय डायरेक्ट माई टू सन्स, जो भी बेटों के नाम है आप वो लिखेंगे, एम एन दैट ईच वन ऑफ देम विल पे टू ईच वन ऑफ my daughters a sum of rupees and this sum shall be a charge on the properties allotted to my above sons respectively here too। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे,
ऑल दी ज्वेलरी एंड ornaments, gold and silver will belong to my wife absolutely. देखिए, अगर आप ज्वेलरी में से कुछ पोर्शन, कुछ गहनों में से पोर्शन, जेवरात में से पोर्शन वाइफ में, बेटों में, बहुओं में या बेटियों में बांटना चाहते हैं, तो आपको ज्वेलरी का मेक, आइडेंटिफिकेशन ज्वेलरी जिससे आसानी से हो जाए, वो आप शेड्यूल में मेंशन करेंगे और फिर वो आईटीओ नंबर उसको अलॉट कर देंगे, तो आपको वो अलग से लिखना पड़ेगा। अगर सारी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट आप अपनी वाइफ को दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे रहे हैं, तो इतना मेंशन करना सफिशियंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप यह लिखेंगे, आई हेयर बाय अपॉइंट My two sons, KL and MN, as the joint executors under this will. आप विल के अंदर एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हैं कि आपकी विल को एग्जीक्यूट कौन करेगा। वो फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, फैमिली के बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। इस विल में मैंने यह लिखा है, आई हेयर बाई अपॉइंट माई टू सन्स के एल एंड एम एन एज द ज्वाइंट एग्जीक्यूटर्स अंडर दिस विल। अब हम शेड्यूल और प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, आइटम नंबर वन, आइटम नंबर टू, आइटम नंबर थ्री, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, आइटम नंबर वन कितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब आप इस शेड्यूल में मेंशन करेंगे। इन विटनेस वेयर ऑफ आई द अबव नेम्ड टेस्टेटर हैव हेयर टू साइंड एट, जो भी स्थान है आपका, किस स्थान पर आप साइन कर रहे हैं, दिस दी जो भी दिन है, डे ऑफ कौन सा ईयर है, इन दी प्रेजेंस ऑफ दी फॉलोइंग विटनेसेस वो आर ऑल्सो attesting this will as witnesses in my presence and my request. इसके बाद आपका नाम लिखा जाएगा, testator, यहां पर आपके साइन होंगे, witnesses लिखा जाएगा, फिर यहां जो witness हैं उनके नाम लिखे जाएंगे और witnesses के भी साइन होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी विल बनाते हैं या किसी क्लाइंट की विल बनाते हैं, तो आपको मतलब निम्नलिखित जो बातें हैं, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं अपने पेपर पर नोट डाउन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो व्यक्ति विल बना रहा है उसका पूरा नाम, पूरा पता, उसकी एज, फिर किस अर्जेंसी से वो विल बना रहा है, वो विल क्यों बना रहा है, फिर उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स, और उस व्यक्ति से आप ये भी पूछोगे कि आप अपनी विल में किसी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहेंगे। एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति होता है जो विल को एग्जीक्यूट करवाता है, और विटनेसेस के नाम भी आप उस व्यक्ति से पूछेंगे कि आप विटनेसेस के नाम बताएं। दोस्तों, हमारे देश में विल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, फिर भी मैं यह आपसे कहूंगा कि विल का रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्टर्ड विल को एग्जीक्यूट कराना अनरजिस्टर्ड विल को एग्जीक्यूट करवाने से ज्यादा आसान होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भेजें, अपने सर्कल में फॉरवर्ड करें, ताकि इस जानकारी का
उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू।